सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। बुद्ध, अहिंसा का अर्थ मैं समझता हूँ, किंतु मेरे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। निसंकोच कहो आजाद शत्रु। राजा, सेनापति, सैनिकों का कर्म है अन्याय के विरुद्ध युद्ध करें, अपने राज्य के नियमों का राज्य की प्रजा से सख्ती से पालन करवाना। आप अहिंसा से करुणामयी हो, इन दुखियों की सेवा की बात करते, कि आप हमें अपराधियों को दंड देने की अनुमति देते, कि अपने राज्य के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध कर, क्या यह उचित है? एक बार की घटना है आजाद क्षेत्र। एक गांव में एक विषैला सर्प था, न जाने वो कितने लोगों को काट मृत्यु के घाट उतार चुका था। सभी गांव वाले उससे बहुत भयभीत थे। वो जिस वृक्ष के तने में रहता था वहां बच्चे खेलने से भी डरते थे। एक बार ऐसा हुआ, एक भिक्षु वहां से गुजरा और उस वृक्ष की छांव में विश्राम करने के लिए बैठ गया। सांप उसे काटने के लिए बाहर निकला तो भिक्षु को उद्विग्न ना होते हुए देख सर्प अचंभित हुआ। भिक्षु ने उसे उपदेश दिया कि तुम्हारे काटने से, तुम्हारे लोगों को क्षति पहुंचाने से उन्हें बहुत पीड़ा होती, उनके प्राण भी चले जाते। सर्प में वैराग्य जागा। उसने निश्चय किया कि वो किसी को क्षति नहीं पहुंचाएगा, किसी को नहीं काटेगा। और सर्प को अहिंसक देख गांव में लोग धीरे धीरे निर्भीक होने लगे। कोई उसे छेड़ता, बच्चे अकारण ही उसकी पूछ पर अपना पैर रखते, लेकिन वो किसी को क्षति नहीं पहुंचाता। बच्चे उस पर पत्थर फेंकते, किंतु फिर भी वो पलटकर वार नहीं करता था। भूख और पीड़ा से वो क्षीण हो गया था। रात्रि में कुछ कंकर पत्थर खा लेता और अगले दिन आक्रमण का सामना करता। वो सर इतना घायल हो गया था कि गांव वाले उसे रस्सी से अधिक नहीं समझते थे। और फिर उस मार्ग से पुनः वो भिक्षु गुजरा। जब उसने सर्प की ये दुर्दशा देखी तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने सर्प को औषधि लगाते हुए पूछा कि तेरा ये हाल कैसे हुआ? तो सर्प ने कहा, मेरे मन में वैराग्य जागा और मैंने काटना छोड़ दिया। भिक्षु हंसा और उसने कहा कि मैंने तुझे काटने से मना किया था, किंतु तू अपने सर्प स्वभाव से कैसे विमुख हो गया? तूने पुकारना क्यों छोड़ दिया? किसी भी बात की अति, अहिंसा की भी अति, यदि ध्यान से देखोगे तो हिंसक बन जाती। दोषियों में तुम्हारा भय होना चाहिए, उन्हें उनके अपराध का दंड भी मिलना चाहिए। किंतु ध्यान रहे, न्याय देने वाला अपनी निजी कटुता के कारण उसे दंड ना दे, अपितु दोषी को उसके दुष्कर्मों और उसके अपराधों का दंड मिलना चाहिए। यदि क्रोध, लोभ, ईर्ष्या बीच में आए तो न्याय ना हो। बुराई को भलाई से जीत, यदि बुराई भलाई पर हावी होने लगे तो मनुष्यता का नाश होगा। यदि बुराई को परास्त करने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो वो भी करो, किंतु उस युद्ध के कारण तुम स्वयं ना बनो। यदि करना पड़े तो केवल नियमित मात्र ही करो। बुद्ध, आपके इतने सुंदर और महिमामय वक्तव्य मेरे हृदय से सभी अंधकार को दूर कर एक नई ज्योत प्रज्वलित किए। धन्य हुए भाग्य मेरे जो आप मेरे जीवन पर आए।
आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा। सुनो सुनो